अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो सा हमारा मेन्यू है वो ईद के हवाले से है। तो आज हम आप लोगों को ईद स्पेशल जो सी हमारी रेसिपी है उसके अंदर वेलकम कहते हैं, और आज हम आपको ईद के हवाले से जो सी रेसिपीज़ है वो सिखा रहे हैं। तो आप लोग आज जो सीख रहे हैं वो है गोश्त की कढ़ाई, मतलब आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं कढ़ाई को, और मटन में भी बना सकते हैं। तो चिकन में बनाई है वो हमारी, तो चिकन में भी हम लोगों ने आपको सिखाया हुआ, वो हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि हम लोगों ने जो सा मटन लिया है उसको रख दिया यहाँ पर बनने के लिए, और उसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक का डाल दिया। पहले हम इसको बॉयल करेंगे और फिर जो हमारी कढ़ाई है उसको तैयार करेंगे। तो हम लोगों ने पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, ईद मुबारक। ये ना मैंने ना गोश्त ना उबलने के लिए रख दिया है एक चम्मच नमक डाल के। ठीक है, ये गल जाएगा ना तो उधर हम मसाला भून के ना फिर इसमें डालेंगे, फिर मसाले डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सी हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है मीट की, तो आप इसको बीफ में बनाएं, जिसमें मर्ज़ी बनाइए, आपकी मर्ज़ी है, तरीका यही होगा, हम आपको सिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखें। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आपको आज गोश्त की जो कढ़ाई बनाना सिखा रहे हैं, ये कढ़ाई आप मीट में भी बना सकते हैं, बीफ में, लैम्ब, जिसमें मर्जी बना लें, मेथड सारा यही होगा। लेकिन चिकन में भी सिखा चुके, लेकिन क्योंकि अब ईद के दिन है, सब लोगों ने ईद के हवाले से रेसिपीज़ तैयार करनी है, तो वो गोश्त में बनेंगी सारी रेसिपीज़। तो इसलिए हम लोगों ने जो सा हमारा वहाँ पर गोश्त है उसको हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून नमक डाल कर रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो दूसरी तरफ हम लोगों ने तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिए हम लोगों ने, और इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल कर हम लोगों ने इनको ब्राउन होने के लिए रख दिया। अब ये ब्राउन होते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारी मज़ेदार सी गोश्त की कढ़ाई है वो कैसे तैयार हो गई। ये लहसुन टमाटर मैंने डाल दिए, अब ये ना थोड़ा सा ना नरम हो जाए ना, ये पानी डाल के ना रख देते हैं, थोड़े से प्याज डाल जाए, फिर गोश्त डाल के ना भूनते हैं, फिर आपको प्याज दिखाते हैं। ये मैं थोड़ा सा कर लूँगा। तो यहाँ पर जो सी हम लोग आप लोगों को आज कढ़ाई सिखा रहे हैं, ये गोश्त की कढ़ाई है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो गोश्त है उसको लहदा से बनने के लिए रखा हुआ है, गलने के लिए, ताकि वो गल जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो प्याज है उसको हम लोग यहाँ, क्योंकि उसको जो मसाला है वो सेपरेट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, कढ़ाई में हम लोगों ने इसको तैयार किया। तो यहाँ पर अब मम्मा ने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डाल दिए हैं, प्याज हम लोगों ने आपको पहले दिखा दिए थे कि हम लोगों ने इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया है, और अब इसको हम लोग गलने के लिए रखेंगे। ऐसे ही होटलों में बनती है ये। ठीक है, मतलब बिल्कुल होटलों वाली होटल स्टाइल में हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप इसको घर में बनाएं, क्योंकि आप लोगों ने आजकल तो यही रेसिपीज वगैरह बनानी है, तो फिर बहुत आपको घर में गोश्त है। हाँ जी, गोश्त है, कुर्बानी की है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ हम लोगों को सिर्फ यही नहीं देखना कि हम लोग अपने घर में खुद ही खाई जाए, खुद ही बनाई जाए, हमें जो से मुस्तहिक है लोग, जो से इस्तेताद नहीं रखते कुर्बानी करने की, उनका भी हम लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उन लोगों का भी जितना बन सके हिस्सा, जितना भी हो सके हमसे, उनको हम लोग अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि इससे ज़्यादा खुदा हमसे राज़ी होता है। और अल्लाह को ये जो हमारी नेकी है कि आप बता पसंद आ जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए इस चीज़ से, तो हम लोग उनका भी ख्याल रखें जो जिन लोगों ने नहीं की, और उनकी मदद भी करें, ना सिर्फ हम लोग ये कि अपने ही फ्रिजर भरते रहें और खुद ही खाते रहें। तो वैसे भी आजकल खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से यही देखा जाता है, सुनने की खबरें आती हैं, हम लोग यही न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि लोग ज़्यादा खाने की वजह से हॉस्पिटल चले गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप खा सकते हैं खाएं, क्योंकि ये सुन्नत है, लेकिन म्याना रवि रख कर आप लोग इस चीज़ को। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब ये प्याज थोड़ी सी हो जाए, गल जाए तो फिर ठीक है अब ढक देते हैं इसे, क्योंकि ईद की खुशियाँ मिल बांट कर खाने में ही है, और आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें और सब लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करके खुशी को मनाएं। ठीक है, तो अब हम उसे गलने के लिए रख दें। हाँ जी, थोड़े 5 मिनट ये गल जाएं, फिर बकाया आपको काम खाते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट हम उसको गला लेते हैं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। यहाँ पर जो से हम लोगों ने प्याज रखे थे पकने के लिए, उनका पानी भी खुश्क नहीं हुआ, पानी खुश्क हो रहा है तो हम वेट करते हैं, क्योंकि जब ये पानी खुश्क होगा उसके बाद जो हमारा वो गोश्त हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं उसको शामिल करेंगे। इसमें ना अब मैं गोश्त डाल रही हूँ जो मैंने पका लिया था, ये देखें सारा गोश्त डाल के ना मैं इसे, नमक वाला गो उबला हुआ था ना ये, पका हुआ अच्छी तरह गला हुआ है, इसमें अब दही डालूँगी मैं। आप बनाएं, इतनी मज़े की बनती है बाजार जैसी,
इसमें आप छोटे गोश्त में भी बना सकते हैं, बड़े गोश्त में भी। और मुर्गी की जो कढ़ाई है वो मैंने आपको पहले बताई भी है, वो आप ऐसे बना सकते हैं मुर्गी कढ़ाई। क्योंकि इनकी ईद के हवाले से हम लोगों ने आप लोगों को सिखाई है, क्योंकि ईद में लोगों ने मतलब गोश्त की कढ़ाई वगैरह बनानी होती है, तो आप लोग इसको बीफ में मटन में बना सकते हैं। तरीका उसका यही होगा। तो पहले हम लोगों ने इसको गोश्त को गले के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ हम लोगों ने जो इसका मसाला है कढ़ाई का उसको तैयार कर लिया था। लेकिन हम लोग जो चिकन की मतलब वुमन कढ़ाई बनाते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चिकन को वैसे भी कम टाइम लगता है पकने में, लेकिन गोश्त को ज़्यादा लगता है। हाँ जी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको फिर यहाँ पर सेपरेट मसाला तैयार किया। यहाँ पर प्याज भी गला लिए थे हम लोगों ने, तो यहाँ पे अब जो है उसको गोश्त को मम्मा ने इन प्याज़ों में शामिल कर दिया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर दही शामिल की है, तकरीबन 3 से 4, 5, 6 बड़े चम्मच हम लोगों ने दही के शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। गोश्त हम लोगों ने डाल दिया है, पानी हम लोगों ने खुश्क करने के लिए रख दिया था, प्याज जो है हमारे वो गल चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से ये जो हमारी गोश्त की कढ़ाई है ये तैयार हो रही है। तो तकरीबन ये फाइनल होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने गोश्त को सेपरेट से पका लिया है। तो गोश्त हमारा गला हुआ, हम लोगों ने प्याज तैयार कर लिए हैं यहाँ पर, और अब हम लोग इसको मैं मसाला डालती हूँ इसमें। ठीक है, मतलब जो नमक मिर्च वगैरह वो हम लोगों ने इसके अंदर डालना है। एक बाजार का मसाला डालेंगे। ठीक, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर इसके टेस्ट को मज़ीद उबाला करने के लिए जो बाज़ार का पैकेट मिलता है कढ़ाई मसाला, हम लोगों ने वो भी इसके अंदर शामिल करना है। ठीक है, और जो घर के स्पाइसेस होंगे वो भी डालेंगे हम लोग। ये शान का है, शान का जो कढ़ाई मसाला है वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी है। तो नमक पहले ही मैंने डाला हुआ था, और मसाले में भी नमक है। तो नमक एहतियात से हम लोगों को, अगर कम भी होगा तो आप एहतियात से डालेंगे, क्योंकि गोश्त में जब हम लोगों ने इसको बॉईल किया था तो हम लोगों ने नमक डाल दिया था। अब मैं ना इसे जायका थोड़ा अच्छा करने के लिए, ना करारा सा करने के लिए, तो दादरी मिर्च भी डाल रही हूँ घर में। ये हम लोग एक्स्ट्रा स्पाइसिस को जो हमारे होम के स्पाइसिस मतलब जो होती हैं चिली वगैरह उसको डाल रहे हैं। तो पैकेट का हमने जो है मसाला वो भी शामिल कर दिया, लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जो दादरी हुई मिर्च है, लाल मिर्च, ठीक है, हम लोगों ने उसको शामिल कर दिया ताकि जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो अब हम लोग इसको मतलब क्या गलने गोश्त तो गला हुआ है, भूनना है बस, भून के बस तैयार है। तो पानी खुश्क हो जाए, अच्छा गला लिया इसमें, तो ये बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, गोश्त है वो हमारा गला हुआ भी हो गई है, बस ये साथ साथ भुनी जा रही है इसके। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, आप ट्राई करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर, ताकि आपको जो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं ईद के हवाले से, या जिस तरह मतलब आप लोग हमारे चैनल पे बाकी जो पहली जो रेसिपीज़ हैं उनको भी विज़िट कर सकते हैं, वो आप लोगों को अच्छी लगेंगी। और अगर आप लोगों ने नई रेसिपी सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप देख सकें सीख सकें मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, ये धनिया, हरी वो अदरक, हरी मिर्च और अदरक को हम लोगों ने इसके गार्निश किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी रेसिपी है तैयार हो गई है, ये इसकी फाइनल शक्ल है, हम आपको क्रिशर करके दिखाते हैं, बस फाइनल होगी ना ये। हाँ जी, फाइनली अब हम लोगों ने जो सी आज गोश्त की कढ़ाई ईद स्पेशल जो सी हमारी कढ़ाई है ईद के हवाले से हमने आपको सिखाई है, इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, और यहाँ पर जो सा है हम उसको डिश आउट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, और माशाल्लाह खुशबू का क्या ही कहना, कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, और माशाल्लाह इसके खुशबू के साथ भूख लग रही है कि आप जल्दी से इसको खा लें, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी आ रही। तो आप इसको नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ साथ इसका मसाला हमें अपनी फीडबैक भी दें कि आपने जो हमारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं तो वो कैसी रही हैं, और अगर कुछ आप लोग मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप लोग वो भी हमें कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको वो भी सिखा देंगे। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इसको डिश आउट कर दिया है, ये देखें माशाल्लाह ये है इसका फाइनल लुक, ये जो हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, हम लोगों ने गोश्त की कढ़ाई तैयार की है। इसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस मर्जी मतलब मीट बीफ में बना सकते हैं, मेथड सब यही होगा और तरीका हम लोगों ने आपको बता दिया है, अब आप लोग इसको बनाएं और इंजॉय करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर हम लोग आपके साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।